सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27, एक विषम कोण चतुर्भुज बनाओ। जब दो कर्ण AC और BD दिए हो, तो हमें कर्ण दे रखा है। कर्ण हम पहले ले लेते हैं, ये आपका कर्ण है AC, A और C, और एक हमें दे रखा है BD। BD भी ले लेते हैं इस तरह से, इसका नाम हम दे देते हैं B और D। और हमने क्या करना है, जो आपका ये BD है ना, इसका हमने आधा करना है। तो हम इसको देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर हमने ले रखा है, ये 8 सेंटीमीटर हमने रेखा ली है, इसका आधा हम कर देते हैं 4। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप प्रकार से भी इसका आधा कर सकते हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहले जो आपके पास ये एसी कर्ण है, एसी कर्ण का हमने समद्विभाजन करना है इस तरह से। हम इसको दो समान भागों में बांट देंगे, आप देख सकते हैं। हमने चापे लगा दी है, अब हम इन चापों को आपस में मिला देते हैं। इन चापों के हम नाम दे देते हैं, ये आपका है एच, ये आपका है आर। तो हमने एच और आर को आपस में मिला देना इस तरह से। जहां पे ये रेखा ए सी रेखा को काट रही है, यहां पॉइंट है आपका ओ। हमने क्या करना है, ओ पॉइंट से हमने चापे लगानी है, और जितना ये आपका ए कर्ण हमने लिया था बी डी, ये भी इसमें कहा गया था कि दो कर्ण है ए सी और बी डी, एक कर्ण हमने ये ले लिया, एक कर्ण आपका ये है बी और डी। तो ये देखिए इतनी प्रकार है, देखो इधर को ये बराबर है, तो हमने यहां से ओ से यहां चाप लगानी है इस तरह से, और इधर भी हमने चाप लगानी है देखिए इस तरह से। और जहां ये चापे कट रही है ऊपर हम नाम दे देते हैं यहां पे डी, और यहां हम नाम दे देते हैं बी। अब हमने क्या करना है, सी से डी को मिला दो, और ये बिल्कुल डार्क आपका आएगा इस तरह से। यहां से ए बी को मिला दो आप, यहां से आपने बी और ए डी और ए को मिला देना है इस तरह से, और बी और सी को भी आप डार्क मिला इस तरह से। ये आपका कोण है 27 नंबर, 27 नंबर है, और ये आपका बनके तैयार हो। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28, एक विषम कोण चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के समान दिया है। देखो हमें एक भुजा दे रखी है ए बी, तो हम एक भुजा ले लेते हैं ए बी यहां पे, भुजा हम ले लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास भुजा है ए और बी, एक हमारे को कोण दे रखा है इसमें ए कोण, तो हम ए कोण भी ले लेते हैं जो दिया है, क्योंकि इसी की सहायता से हम आगे इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो हमने यहां से एक कोण भी ले लिया है, और इस कोण का हम नाम दे देते हैं ए, हम यहां पे चाप लगा देंगे इस तरह से, इसका नाम हम दे देते हैं ए। तो हमें दो चीजें दी हुई है, एक हमें दे रखा है भुजा ए बी, और एक दे रखा है हमें कर्ण
ए। तो सबसे पहले जितनी हमें भुजा दे रखी है ए बी, इतनी हम जो है ना यहाँ पे प्रकार खोल के यहाँ पे एक चाप लो, अब हम क्या करेंगे एक रेखा ले लेते हैं इस रेखा के बराबर ए बी के बराबर। तो हम यहां से पहले ए बी को नाप लेते हैं, ये इतना हमारा ए बी है, ये है, तो इतना हम यहां से नाप लेते हैं ये, तो ये हमारा पॉइंट आ गया है यहाँ पे, यहाँ से तो हम इसको ऐसे मिला देंगे और इस पे हम नाम लिख लेते हैं ए और बी। तो हमने प्रकार इतनी पहले ही खोल रखी है जितना हमारा ये कोण है, हम यहाँ प्रकार खोल देते हैं ये, फिर हमने ए पॉइंट पर प्रकार रखनी है और यहाँ से हमने चाप लगा देनी है, इस तरह से चाप लगा देंगे अब हमने क्या करना है जितना बड़ा आपका कोण है इतनी प्रकार हम इधर को खोल देंगे और यहां से हम इसको काट देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं ये आपका आ गया। अब हमने क्या करना है इसको हम जो ना वो आपस में मिला दें, और हम इसको भी यहाँ हल्का मिलाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं मिलाएंगे इस तरह से। और ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं के, ये जो आपका पॉइंट आया इसका नाम हम दे देते हैं के। अब हमने क्या करना है जितना आपका ए और बी है इतनी हमने प्रकार खोल दी है और यहाँ से हमने इस रेखा को काट देना है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। अब हमने क्या करना है इतनी प्रकार खोल के हमने बी से भी चाप लगानी है और सी से भी इस चाप को हमने काट देना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं जहां पे चाप पे कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया टी, और ये हमारा बन रहा है विषम कोण चतुर्भुज। यहां से हम डी को मिला देंगे इस तरह से, और डी और सी को भी हम यहां से मिला देंगे। अब हम इस रेखा को भी थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरह से, इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे इस तरह से, इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 28 बनके तैयार।